जाओ एक चीज दिखाता, मुझे अभी लास्ट दिखी यार। लाइक करिए। कहाँ जा रहे हो? ये देखिए, गर्मा गर्म पकौड़ी खाएंगे चटनी के साथ। गाइस देखो, इतनी गली में छोटी सी जाम हो जाता है। महादेव चावल है, चावल देते? चावल नहीं बेटा, सुखी बाबू एक आटा और किलो भर दे, माता को ला के दे। बाबा बोला आटा, माता काम कर रही है। बोला बोला आटा होगा, आटा आटा दे दो। चलो सुखी रहो, तेरी मम्मी सुखी रहे कि गुस्सा बहुत है। इतना ही ग्रहण कर लीजिए महाराज। पक्का कच्चा? आप आए, बहुत अच्छा लगा। सो हेलो गाइस, आज है 23 नवंबर, मंगलवार का दिन, मतलब हनुमान जी का दिन। तो दिन की शुरुआत जो है बाबा जी से हो गई है, भोलेनाथ से हो गई है। तो हो सके आज दिन अच्छा जाएगा, डेफिनेटली अच्छा जाएगा। हो सके क्या होता है जी, हाँ पता नहीं। कल शाम से हम आलू का पराठा जब से खाएं तब से हमारी बकलोर पंती ही निकल रही है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा, है। तो जैसा कि कल सोचे थे कि 7:30 बजे सो के उठेंगे, तो ऐसा ही हुआ, 8 बजे सो के उठे हैं। इस समय 8:30 हो रहे हैं और मैं कर रहा हूँ ब्लॉगिंग। वो सुबह आ गए थे बाबा जी, तो उनको थोड़ा सा दान दक्षिणा देना था। अब चलते हैं, करते हैं नाश्ता और देखते हैं पूरा परिवार क्या कर रहा है मेरा, और दिन को कंटिन्यू करते हैं। और इधर भी इतना ठंडी बढ़ गई है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। सुबह सुबह हम कपकपा रहे थे भैया, तो संभल के रहिएगा, मौसम चेंज हो रहा है, फिर से बीमारी ना घेर ले। आइए देखिए, पीछे का मैदान जो है पूरा सपाट कर दिए, सब साफ करके क्लीन। घर पे बखलोल पंती कम करना पड़ेगा गाइस। पनीर पियो ब्रश करके? नहीं यो, क्या बना रही हो? पकौड़ी। तो गाइस सुबह सुबह बन रही है पकौड़ी। तो गाइस आज सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया नाश्ता करने को मिलेगा, पकौड़ी आलू की। गाइस देखो, सुबह सुबह नाश्ते की प्रिपरेशन चालू हो गई, नाश्ता और खाना, यहाँ पे नाश्ता यहाँ पे खाना, ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले के लिए बन रहा है। देखो पूरा फैल जाता है गाइस। तो गाइस ये देखो पकौड़ी बन गया है, बिल वाली शेप के प्लेट में हमें मिला है। ये रहा मेरा आज का नाश्ता। अरे चाय कहाँ गई? चाय के बिना तो नाश्ता अधूरा है यार। One eternity later. So hey guys, मैं सुबह से ब्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मुझे 3-4 काम थे। अभी मैं बैंक गया, उसमें पैसे जमा करवाने थे। दूसरा काम, मेरा एक फ्रेंड आया था उससे मिलना था, तो इतने सब काम के बीच में मैं बिजी हो गया था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। तो अभी ब्लॉग करते हैं एकदम स्टार्ट, और अब से कंटिन्यू ब्लॉग करते रहेंगे। और अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ अपने घर, और सुबह से मैंने सिर्फ चाय पिया है, नाश्ता सब कुछ नहीं किया। दोस्त के यहाँ चाय पी लिया, बस इतना मेरा पेट में था। तो गाइस देखो, मम्मी ऊपर धूप ले रही थी, धूप ले रही थी। ले लो हाँ खाना खा लेंगे। ये रहा मेरा खाना, अभी सब्जी लिया और रोटी लिया। और बाहर से आके यार ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, इसीलिए ज़्यादा नहीं खाएंगे। दाल है आज, लेकिन दाल नहीं पियेंगे क्योंकि मम्मी है नहीं, तो चीट मिल कर लेते हैं थोड़ा। एकदम लाइट खाना खाएंगे यार, इस समय खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो खाना पीना हो गया फाइनली, आज सुबह से एकदम ब्लॉगिंग नहीं हुई है गाइस। ऑडियंस कही की सलाह कि कभी कभी 19-19 मिनट का ब्लॉग बनाता है और कभी 5 मिनट का भी ब्लॉग नहीं रहता है। तभी घर पे पापा हैं नहीं, और अरे तेरी आ गए। तो गाइस पापा आ गए, मम्मी धूप ले रही हैं। मम्मी अलाहाबाद जाएं? कल आ जाएंगे कीर्तिमान के साथ। क्यों फालतू का जाओ, जाने क्या मतलब? कीर्तिमान कह रहा था कि एक दिन के लिए चलो आ जाना। वो पापा गाड़ी खड़ा है, हैंडल लॉक है यार। गाइस देखो, इतनी गली में छोटी सी जाम हो जाता है। पापा हैंडल लॉक है, वो पीछे कर दे। ये लो चाबी लेके आए, तब तक गाड़ी निकलने लगी। इतना जाम लग जाता है हमारी गली में, बताओ। स्कूल के टाइम ही ज़्यादा जाम लगता है। अभी चलते हैं थोड़ा छत पे, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। आज मैं अपने बहुत पुराने दोस्त से मिला ना, 1.5 साल बाद मिला। वो क्लास 4th का मेरा दोस्त था, UPSC की तैयारी कर रहा है लड़का। तो उसने बोला कि इलाहाबाद चलो साथ में, कल आ जाना। मम्मी से परमिशन ली मैंने, मम्मी ने मना कर दिया, जाना कैंसिल। गिटार पड़े पड़े ख़राब होता है, सोचा आज बजा ही ले, और छत पे बैठने का बैठना भी हो जाएगा, मनोरंजन तो चाहिए रहता है ना गाइस। उससे पहले गाड़ी अंदर रख दें घर के, ये वरना फिर जाम लग जाएगा। तो अभी पापा को जाना है भैया, गाड़ी नहीं रखनी है हमें। मम्मी छत पे हैं हम, अभी थोड़ी देर में गिटार बजाऊंगा, ये पीछे गाना गाएगा, देखो गा रहा है, गाओ। देखो ये लगन का टाइम है, इस वजह से कटाई हो रही है, वरना इस तरह होती नहीं है। अब देखो यहाँ पे शादी होगी, रात भर DJ बजेगा और हम जैसे लोग परेशान होंगे रात भर। एडिटिंग कैसे करेंगे यार?
जाओ एक चीज दिखाता हूँ, मुझे अभी लाश दिखी यार। देखो आप लोग भी दूर से देखोगे ना तो आपको भी वो लाश लगेगी। ये देखो गाइस, मैं सही मैदान देख रहा था और मेरी नज़र पड़ी यहाँ। ये देखो गाइस, एकदम लग रहा है कि किसी की आदमी की टांग है, और ये ओरियल में वो टांगी है लेकिन वो पुतला है यार, स्टैचू है। हरा देते हैं यार लोग। ऊपर नहीं चढ़ना बेटा, ऊपर नहीं चढ़ो। डेली तुम ऊपर ऊपर क्यों चढ़ जाती हो हैं? घर में ये अपनी जगह दे दे क्या? मानते हैं कि हम अच्छी संतान नहीं है तो मम्मी तुम्हें भी नहीं रखेंगी। अभी लोग मुझे गाली देंगे, चलो साइड हो जाओ। अरे रास्ता घेर के रखी हो, मुझे गाली सुननी पड़ेगी, चलो साइड हो जाओ। बाय बाय। हाँ ठीक है, आई लव यू, बाय। भैया कुर्सी नीचे ले जानी है। ऊपर लाते क्यों हैं हम? आओ चली जाएगी तभी मैं नीचे जाऊँगा, वरना मैं गेट खोलूँगा तो ही फिर आ जाएगी। गई गई गई। मेरे घर आई एक नन्नी परी। देखिए टापी खा रही है। बोलो हाय, बोलो बोलो हाय, बोलो बोलो हाय, इसमें बोलो हाय। ओ गुस्से में देख रही है गाइस। ले नहीं ले, आप खाओगे, आप खाओगे, आपका है, मम्मी जी लाई है। लाइक करिए, लाइक करिए, खा लो इसको। बताओ यहाँ से अपने आप चल जाओगे नीचे? नहीं जा पाओगे? जाएं हम छोड़ के, छोड़ के नहीं जाए। क्यूट है यार। सो गाइस ये देखो, चाय आ गया है मेरा, और ये आ गया है मेरा नमकीन। मस्त चाय पीते हैं, नमकीन खाते हैं डेली की तरह, और आप लोगों से मिलते हैं चाय के बाद। तो चाय फाइनली हो गया है। आज मम्मी का तबीयत जो है थोड़ा नाजुक है। नाजुक क्या मतलब, उनकी उनकी सर्दी जो है वो जा ही नहीं रही है गाइस। तो आप लोग कोई उपाय जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। सो गाइस ये देखो, ये है बथुआ, और आज बनेगा हम लोग के घर बथुआ का पराठा। ये मम्मी बनाएंगे। खाओगे ना? हाँ क्यों नहीं खाएंगे, खाएंगे खाएंगे, एकदम खाएंगे। चटनी बनेगी ना? आंवला की चटनी, सब फायदा वाली चीज बना। बथुआ का पराठा, बथुआ का पराठा भी गाइस फायदा वाला है। आंवला की चटनी बनेगी, आंवला भी बहुत फायदेमंद होता है आंखों के लिए। तुमको अपना सेहत बना रखना है ना? हां, तो आज खाएंगे बथुआ का पराठा आंवला। मतलब अब जाड़ा आ गया है ना, तो अब देखो ऐसे ही सब सिस्टम बनते रहेंगे, नए नए चीज़ें। जाड़े के खाने जो होते हैं ना वो अलग होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, इसीलिए आई लव विंटर। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग को कौन सा सीज़न पसंद आता है। और देखो मम्मी पूरा बॉयल पानी कर रही हैं, बॉयल 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 पियेंगे हम लोग पानी। सो गाइस शाम का टाइम है, अभी चल रहे हैं स्टेशन पे। बहुत दिनों बाद शशांक और अनुराग से मिलेंगे। वो दोनों अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि भैया मिलने का टाइम ही नहीं है, बड़े लोग हो गए हैं ना, तो अब बहुत दिन बाद उन लोग से मुलाकात करेंगे और आप लोग को भी मिलवाएंगे। कहाँ जा रहे हो? पहले चार दिन मिला नहीं, तेरे बच्चे भी हो गए। सो गाइस अभी हम लोग टिकट के लाइन में खड़े हैं, इस बंदे को टिकट चाहिए, और देख रहे हो कितना लंबा लाइन है। अनुराग जी भी आ गए हैं, शशांक जी भी आ गए हैं। अब आप भी कतार में वेट करिए, हमको कहीं नहीं जाना। थकते नहीं है सर दिन भर काम करके? यूट्यूब पे भैया, यूट्यूब पे बनाते हैं। चैनल बताएं, सब्सक्राइब करेंगे तभी बताएंगे। बता दीजिए। सो गाइस ये देखो लंगलौसा आया है, इसमें तीन की हिस्सेदारी रहेगी। बाय बोल दो। सो गाइस बथुआ का पराठा, चटनी, आज रात का खाना, और दोस्तों से मिल लिए हैं। लोग यार अपने बैकग्राउंड को लेके कितना ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और एक मेरा बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। तो आई होप आप लोगों ने ये बथुआ का पराठा खाया होगा। आप लोग क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं टेस्ट करके बताता हूँ। नॉट बैड यार, इसके साथ अगर चाय रहती है ना तो बहुत मज़ा आ गया होता, बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ठेपले होते हैं, आप लोगों ने अगर ठेपले खाए हैं सेम टेस्ट कर रहा है, बहुत अमेजिंग है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। आंवले की चटनी भी है साथ में। आज का मेरा ब्लॉग ये रहा, और ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। कल कुछ नया आने वाला है तो कल का वेट करना, और जो लोग यहाँ तक देख लिए हैं वो लोग कर देना, ठीक है? ये हाँ नीचे कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, चलो बाय। मन किया तो बना ही लिया, अब क्या कर सकते हैं, देख लो चाय है।